ओके। एनसीआर में मच्छरों का प्रकोप आ चुका है, तो उसी वजह से ये मेरे फेस पर काफी सारे ये बाइट आ चुके हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेयर अमंदा गुप्ता मेकअप आर्टिस्ट एंड यू आर वाचिंग माय चैनल परफेक्ट एंड मेकअप स्टूडियो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अचानक जैसे इंस्टेंट कोई फंक्शन आ गया है और हम फेशियल या तो करवा नहीं पा रहे हैं या मेरे पास टाइम नहीं है या हमने किया नहीं है कुछ भी एनीथिंग एल्स, तो ऐसी सिचुएशन में हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी स्किन ग्लो करे और मेकअप एकदम सेटल और स्किन एकदम शाइन करे। तो स्किन कैसे शाइन करेगी जब उसको नरिशमेंट मिलेगा, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो प्रोसीजर कैसे होगा। सबसे पहले तो मैंने अपना फेस एक माइल्ड सोप से वॉश कर लिया है, उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ ये जैसे शाहरुख खान की मूवी में होगा ना, नाम तो सुना ही होगा, मनीष मल्होत्रा। हाँ जी, ये मैंने मनीष मल्होत्रा का मेथी स्क्रब मंगवाया था, इसको मैंने यूज किया, अच्छा है। बट इसमें एक चीज मुझे दिख रही है कि क्वांटिटी एक तो बहुत कम है, प्राइस थोड़ा सा हाई है, क्वांटिटी कम है, और थोड़ा टाइम लेने के बाद ना ये और श्रिंक होता गया इसका जेल, बट रिजल्ट अच्छे हैं। तो अब आप कोई और स्क्रब भी ले सकते हैं, बाकी मुझे ये ऑर्गेनिक है, मेथी का है और स्किन पे बड़ा अच्छा रिजल्ट इसका रहा, तो मुझे पसंद आया। तो अगर आपको पसंद आए तो माइग्लैम से आप ले सकते हैं, मैं इसका लिंक अपने माइग्लैम से मिल जाएगा और मनीष मल्होत्रा जी की साइट से मिल जाएगा और इसके साथ साथ हमें नायका का भी मिल जाएगा, और मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो सबसे पहले मैंने अपना फेस वेट कर लिया, इसको पूरे फेस पर इस स्क्रब को लगा लिया और सॉफ्ट हाथों से हल्का हल्का गीले हाथों से, मतलब स्किन एकदम ड्राई नहीं होनी चाहिए, हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन से इस फेस पर मसाज करो। इसका काम इस वक्त ये नहीं है कि आपको मतलब कि ब्लैक हेड्स रिमूव करने हैं या कुछ ऐसा, मतलब कुछ खास वो वाला फंक्शन नहीं है जो हम फेशियल से पहले एकदम अच्छे वाला स्क्रब करते हैं। इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा करना है, इससे क्या होगा जो मेरी डेड स्किन होगी ना ऊपर की जो लेयर होगी डेड स्किन की वो रिमूव हो जाए, बस इतना सा करना है। इसको बहुत हार्श वे में नहीं करना, ये ध्यान रखना, ये जरूरी बात है, इसको हार्श वे में नहीं करना, हल्के हाथों से बस पूरे फेस पर सर्कुलर मोशन पर करें, सर्कुलर मोशन के साथ करें। इसको करने के बाद हल्का सा नेक पे भी आप यूज कर सकते हैं, हम इसको क्लीन कर देंगे, इसका पूरा फेस हम क्लीन कर देंगे। अच्छे से क्लीन करने के बाद से क्या होगा, आपका जो स्क्रब से ना सिर्फ ये हम इसलिए करें डेड स्किन रिमूव हो जाए और फिर उसके बाद जो स्किन होगा वो शाइनी होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो मैं हमेशा आपको बताती आई हूँ कि किसी भी मेकअप से पहले आप फेस मास्क यूज करेंगे तो एक स्किन पे गजब पगलो आएगा। तो मैं यूज करने वाली हूँ यहाँ पर नायका का चारकोल बैम्बू शीट मास्क। चारकोल आपको पता है स्किन के लिए कितना अच्छा है, पूरे स्किन की जो इम्प्योरिटीज होती है, स्किन में जो डलनेस होती है वो सब रिमूव कर देता है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा जो सीरम है उसको इस तरीके से करेंगे ताकि पूरा हमारे इसके अंदर आ जाए। शीट मास्क के बेनिफिट्स के ऊपर और टाइप ऑफ शीट मास्क के ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है, उसके लिंक भी मैं डाल दूंगी, आप जरूर देखें पहले, मतलब समझ सके, आपको लॉजिक पता चले कि शीट मास्क करता क्या हमारी स्किन के ऊपर, जिससे बहुत इजी रहता है। इसको हम इस तरीके से पूरा खोल लेंगे, खोलने के बाद यहाँ पर जो टू आइज है उसको इस तरीके सीधा करेंगे और अपने फेस के ऊपर।
और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वीडियो को अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी आपके व्यूज़ हो, जो भी आपको वीडियो के रिगार्डिंग व्यूज़ हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, जिससे मैं अपनी वीडियोस के ऊपर और भी अच्छे से काम कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे बेस्ड चाहिए, मेकअप पर, हेयर अनबॉक्सिंग, प्रोडक्ट डिटेल, या किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ के ऊपर, टेक्निक के ऊपर, फाउंडेशन, आई मेकअप, किसी पर्टिकुलर टेक्निक, कोई भी चीज़ हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें से किस चीज़ के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। ये हमने लगा लिया, अब स्किन के ऊपर 10 से 15 मिनट ही छोड़ देंगे। मास्क को लगाए हुए मुझे 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको रिमूव करेंगे। इससे क्या होगा, और स्किन बिल्कुल हाइड्रेट हो जाएगी, और जो फेशियल वाला ग्लो होता है वो हो जाएगा, क्योंकि स्किन के अंदर नरिशमेंट चला गया, स्किन एकदम हाइड्रेट हो गई है और ग्लो आ गया। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम मसाज कर लेंगे। और इसको नेचुरल वे में सूखने देंगे। इसको सूखने देंगे। अगर दिन का टाइम है तो इसके ऊपर सनस्क्रीन और अपना कोई भी लोशन अप्लाई कर लेंगे। नाइट का टाइम है, अपनी नाइट क्रीम लगा के सो जाएंगे। और मैंने पहले भी बहुत बार बताया कि नाइट में इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो रिजल्ट है, जो बहुत ऑसम आता है। बट आप डे पार्टी में जा रहे हैं, दिन के टाइम यूज़ करेंगे तो मेकअप का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। आपका रिव्यू दूँ कि ये मास्क बहुत अच्छा है, स्किन को हाइड्रेट कर रहा है, कोल हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बैम्बू हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, दोनों नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल नहीं है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए हैक के साथ, एक नए प्रोडक्ट के साथ, एक नए लुक के साथ। बाय, टेक केयर।